देश के किसान की एक राय हुई कि हम घर में घुट घुट के मरने से अच्छा, हर रोज फांसी खाने से अच्छा सरकार की गोलियों से मरना ज्यादा पसंद करेंगे। हम यहाँ मरने के लिए आ रहे। देखिए, मात्र एक महीने की बात नहीं है, जब इनको अध्यादेश के रूप में लाया गया तभी हमने 10 सितंबर को रैली रखी थी पीपली के अंदर, कोरोना का बहाना लाकर के अध्यादेश ले। हमने उसी समय से इनको पढ़ करके जब समझा ये पूरा किसान विरोधी है, तभी से हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहले हमने रोड रोके, हमने प्रदर्शन करे, पुतले फूके, रोड रोक के रैलियां करी, हर तरह का संभव कोशिश करी कि भारत सरकार किसान को बुला करके इनके बारे में विचार करे, इनके बारे में पूछे, मगर सरकार ने मुनासिब नहीं समझा कि किसानों के साथ मिल बैठ करके बात की जाए। उल्टा लोकसभा के अंदर बिल के रूप में रख करके इसको कानून बना दिया गया, राज्यसभा में जबरदस्ती इसको पास करवा दिया। सरकार ने, हमने पहले दिल से इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम लगातार 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, लगातार 4 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। इसके रूप अनेक हो सकते हैं, मगर लगातार 4 महीने से आंदोलन चल रहा है। जब हमने देखा ये सरकार बिल्कुल नहीं मान रही, टस से मस नहीं हो रही, किसान को मारने पर बिल्कुल तुली हुई है, पूरे देश के किसान की एक राय हुई कि हम घर में घुट घुट के मरने से अच्छा, हर रोज फांसी खाने से अच्छा सरकार की गोलियों से मरना ज्यादा पसंद करेंगे। हम यहाँ मरने के लिए आ रहे, सरकार चाहे तो गोली मार दे, हम घुट घुट के मरना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा आखिरी आंदोलन है। अगर हम ये आंदोलन हार जाते हैं तो हम इस लायक ही नहीं रहेंगे कि आंदोलन लड़ा जाए, हम कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे। और अगर हम ये आंदोलन जीत गए, किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि किसान से राय मशवरा किए बगैर किसान के खिलाफ कोई कानून लाए। ये हमारा आंदोलन जीने मरने का है, हजारों फुट की खाई हमारे पीछे, हम ये आंदोलन हार नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीछे अगर हम ये आंदोलन हारे तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हमारी आने वाली पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, हम मास्टर कंपनियों के पूंजीपतियों के गुलाम बन के रह जाएंगे। इसलिए आंदोलन हम जीतने के लिए आए, सिर्फ जीतने के। आसान भाषा में अगर बात की जाए कि ये आंदोलन जो है, किसान रोड पर आए हैं, तो किसान अगर समझाना चाहे अपने बाकी मजदूर भाइयों को, अन्य साथियों को, कि क्या क्या कारण है कि वो लोग क्या मांगे लेकर आए हैं, उनकी बेसिक मांगे क्या हैं सरकार से। सबसे पहले मजदूर भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ये कानून हमारे को जो मारेगा उनको हमारे से पहले मारेगा, क्योंकि एक इसके अंदर एक्ट है जिसको समाप्त कर दिया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का एक रूल था देश के अंदर, जो मुनाफा इसे जो हमारा काला बाजारी को रोकने के लिए, जो खाने की आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे मोटा अनाज था, दालें थी, खाने का तेल था, आलू था, प्याज था, उसका एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता था, पूंजीपति के हाथ में नहीं था ये व्यवस्था। इन चीजों की खरीद उसकी एवज में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI करती थी। अगर किसी क्षेत्र के अंदर खाने के अनाज की कमी होती है, आलू प्याज की कमी होती, तो FCI उपलब्ध कराती थी, मगर वो तोड़ करके अब वो सारी व्यवस्था पूंजीपति के हाथ में दे दी है। और अब पूंजीपति क्या करेगा, जब प्याज या आलू किसान का बाजार में आएगा, खरीद लेगा, अपने स्टोर में रख लेगा, उसका जब 10 गुणा 20 गुणा दाम बढ़ जाएगा वो बाजार में निकालेगा। इसका उदाहरण बताता हूं मैं आपको, आज से 2-3 साल पहले ये लिमिट महाराष्ट्र सरकार ने दालों पर से उठाई थी, दाल किसान से उन्होंने खरीदी थी 30 और 32 रुपए किलो, 3200-3300 रुपए क्विंटल वो दालें खरीदी गई थी, बाजार में उसमें दालों का रेट होता था 50 और 60 रुपए किलो। पूंजीपति ने पूरे दाल का स्टॉक कर लिया और मार्केट के अंदर उसकी कमी पैदा कर दी, वही दालें 200 रुपए किलो रेट बढ़ा था उसमें, विदेश से मंगवानी पड़ी थी। ये कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटाने का कानून, सबसे ज्यादा अगर किसी को मारेगा तो वो गरीब जनता, उसमें आपका मजदूर भी आ गया, आपका छोटा दुकानदार आ गया, रेडी फट्टी वाले आ गया, आपका जो डेली हर रोज करके खाने वाला है वो सबसे पहले मरेगा इस कानून के तहत।
रही बात किसान की, किसान को बरकलाते हैं, कहते हैं आपके हित का है, इसमें एक लाइन भी प्रधानमंत्री जी ने कल भी मन की बात में कहा कि किसान समझे ये आपके हित का कानून है। पहली बात तो ये बेशरम प्रधानमंत्री है। आज इस देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान सड़क पर बैठा है इतनी ठंड के में, आज भी मन की बात कर रहा है। बेशरम आदमी आज तो किसान की बात कर ले, मन की बात सुनते हुए हमें सदियां बीत गई, आज किसान की बात करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास सिर्फ एक चीज इनके मन में है, ये जनता को बहकाते इनके पास एक नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। ये बहकाना चाहते हैं, ये बहकाना चाहते हैं, ये बहका करके लोगों को मूर्ख बना करके लोग सोचते हैं कि ये किसान बहकाया लग जाएगा। मगर आज वो जमाना नहीं रहा कि कोई भी आदमी किसी को भी बरगलाया जा सके। हर घर में, हर किसान के घर में एमएससी किए हुए, बीए किए हुए, एमए किए हुए, इंजीनियर लॉ किए हुए बच्चे हैं, उन्होंने इन कानूनों को पढ़ लिया है। इसमें एक लाइन भी किसान हित की नहीं है। हम मोदी जी को खुला चैलेंज देते हैं, उनका कोई भी पढ़ा लिखा मंत्री, खुद मोदी जी, भारत सरकार का कोई अफसर खुली डिबेट करे किसानों के सामने, और एक किसानों का एक का छोटा सा कार्यकर्ता हम उनके सामने रख बिठाएंगे, एक छोटा कार्यकर्ता, कोई भी अफसर मंत्री साबित करके दिखाए इसमें एक लाइन किसान के हित में हो, और जो कार्यकर्ता किसानों का बैठेगा हम वहां ऑन टेबल डिबेट में जनता के सामने ये साबित करके दिखाएंगे ये कानून पूंजीपति के लिए लाएगा, किसान के लिए लाया नहीं गा, किसान को मरने के लिए लाएगा। एक सवाल और इसमें आता है कि आज की डेट में जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो टेलीविजन चैनल जो है, वो दिखा रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं कि जब पूरे देश के किसानों कोई समस्या नहीं है तो फिर सिर्फ पंजाब हरियाणा किसानों की क्या समस्या है? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कहते हैं हरियाणा पंजाब का किसान इस आंदोलन में ज्यादा हिस्सा क्यों ले रहा है, क्यों लीड कर रहा है, इसके पीछे एक बहुत लंबा लॉजिक है। 1939 के अंदर सर छोटू राम ने मंडी एक्ट बनवाया था गुलामी के जमाने में। पंजाब के मंत्री थे, वो पंजाब के अंदर मंडियां बनी थी, जो कानून आजाद भारत में आ गए सरकारों ने सबने फॉलो किया। पंजाब के अंदर 89% फसल जो होती है उसकी खरीद सरकार करती है एमएसपी के तहत। हरियाणा के अंदर 85-85% फसल 85% फसल 85% फसल सरकार खरीदती है एमएसपी के तहत। और जहां तक पूरे भारतवर्ष के किसान का आंकड़ा है, मात्र 6% किसानों की फसल एमएसपी पे बिकती है। हरियाणा और पंजाब के अंदर गुलामी के जमाने से ही मंडियां विकसित हैं। हरियाणा और पंजाब के अंदर ज्यादातर फसलें खाद्यान्न के रूप में बीजी जाती हैं, जिनको एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है। बाजार पर आधारित फसलें कम बीजी जाती हैं, मसाले कम बीजे जाते हैं, फ्रूट की खेती कम की जाती है, आपकी सब्जी की खेती कम की जाती है, हमारे यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा होता है जो सरकार खरीदती है। और इस कानून के तहत ये प्राइवेट मंडियों का जो बिल लेकर के आए, प्राइवेट जो कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर अगर कोई व्यापारी सरकारी मंडी से कोई अनाज खरीदता है 6% टैक्स देना होता है। पंजाब के अंदर कोई व्यापारी या सरकार कोई अनाज खरीदता है तो उसको 8% टैक्स देना होता है। प्राइवेट मंडी में अगर सामने कोई फसल बिकेगी तो व्यापारी को टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वो प्राइवेट मंडी में खरीदेगा, सरकारी मंडी में नहीं खरीदेगा। हमारी 2 साल में मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास टैक्स नहीं होगा, खरीद लेना लिया दे ही नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से आएगा, टैक्स नहीं होगा मंडियां कौन संभालेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे फोन के अंदर जियो की सिम है, पहले सिम फ्री में दी गई थी, जब और सारे 150 रुपए लगाते थे जियो फ्री में देता था, फिर 139 में दी गई थी, फिर ये 399 में थी, आज ये 599 में है, क्योंकि बीएसएनएल को समाप्त करवा दिया एक सरकारी नीति के तहत। उस समय
बीएसएनएल कंपटीशन में था, आज बीएसएनएल को इन्होंने समाप्त करके कारपोरेट के हवाले कर दिया पूरा का पूरा। ये मोदी जी अडानी अंबानी को देश को बेचना चाहते हैं। और किसान पहले तो क्योंकि हमारा कोर इसी किसान का है, मगर हम बात सभी जानते हैं, मोदी जी ने एक भाषण दिया था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, हमारे टोल लगा करके सारे रोड बेच दिए, रेलवे बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, हमारी विदेश नीति आज अमेरिका चलाता है, हमारी अर्थनीति डब्ल्यूटीए के अंदर आज वर्ल्ड बैंक चलाता है। अरे छोटा क्या है यार, थोड़ी किसानों पर 10-10 के एक एक दो दो किला बचा था, जमीन उद्योगपतियों बेच दी, आपने छोटा क्या है, पूरे देश को बेच के खा गए मोदी।